सीएसबी चौकी अंतर्गत कोहड़िया मोड़ के पास दो कारों के बीच आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि दूसरे कार का चालक मौका पाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि एक कार कोरबा से कटघोरा की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी कार कटघोरा की तरफ से कोरबा आ रही थी। दोनों ही वाहन की गति अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ है। पोड़ोप्रोला ब्लॉक के ग्राम डोंगा तराई में रहने वाला एक व्यक्ति भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित कमल सिंह ओड़े अपने साथियों के साथ तेंदू पत्ता तोड़ने जंगल की तरफ गया हुआ था। इसी दौरान उसका सामना भालू से हो गया। भालू के हमले में कमल सिंह के शरीर पर गहरे जख्म लगे हैं। 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरबा के वनांचल क्षेत्रों में हाथियों और मानव के बीच द्वंद्व बढ़ती ही जा रही है। हालात किस कदर गंभीर हो चले हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब हाथियों पर तीर कमान और कुल्हाड़ी से हमला करने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कोरबा वन परिक्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ ग्रामीण बिजली का हाईटेंशन टावर पर चढ़कर हाथियों के झुंड पर टांगी और तीर कमान से हमला कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल में करीब 23 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सामने आए वीडियो में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण हाथियों को किस तरह हमला कर रहे हैं। उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम तरदा में रहने वाली एक महिला सर्पदंश का शिकार हो गई, जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका अमर बाई कुर्रे घर पर सो रही थी, तभी घोड़ा करैत नामक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई, तब वे उसे लेकर रात करीब 1:30 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां महिला का उपचार शुरू किया गया, लेकिन 2 बजे के लगभग उसने दम तोड़ दिया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लाख तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा एक ग्रामीण अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को अस्पताल ले जाने न तो संजीवनी एक्सप्रेस की सुविधा मिली और न ही डायल 112 की। घंटों इंतजार करने के बाद भी जब सरकारी मदद नहीं मिली, तब किराए की गाड़ी से उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि समय पर अगर एम्बुलेंस की सहायता मिल जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। कोरबा के ढोड़ीपारा इलाके में मारपीट की एक घटना सामने आई है, जहाँ कुछ युवकों ने मिलकर सतनाम नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ बुरी तरह से मारपीट की। व्यक्ति का नाम शत्रुघ्न वर्मा है, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जांजगीर जिले की चांपा पुलिस ने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 32 डिसमिल जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक महिला को बेचकर 35 लाख रुपयों की ठगी की थी। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब जमीन का वास्तविक मालिक सामने आया। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़िता ने चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कुछ नकदी रकम के साथ ही ठगी के पैसों से खरीदे गए स्कूटी वाहन को जब्त कर लिया है। SSCL की बगदेवा भूमिगत कोल परियोजना में हुए हादसे के दौरान 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में उपचार देने के बाद बिलासपुर अपोलो रेफर कर दिया गया। घायल श्रमिकों के नाम कौशल प्रसाद और विजय है, जो सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे थे। खदान में ड्रिलिंग के दौरान श्रमिकों को मिसफायर शॉर्ट होल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। रजगमार पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भूलसीडीह गांव में बिना किसी वजह के हुए विवाद पर एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। सिर और सीने में आई गंभीर चोट के कारण युवक की मौत हो गई। पीड़ित पक्ष के द्वारा रजगमार पुलिस चौकी को इस बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तरह तरह से की जा रही कोशिशों के बावजूद नतीजे बहुत ज्यादा सामने नहीं आ सके हैं। ऐसे में समाधान खोजने के लिए लोगों को नए पैंतरे अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्व विभाग से संबंधित समस्या को लेकर परेशान एक व्यक्ति तहसील कार्यालय में जाकर लेट गया, तब जाकर उसकी तरफ सरकारी तंत्र का ध्यान गया।